अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। हमारी CTET की ये वीडियो नंबर 2 है, जिसमें आज हम सितंबर 2014 का पेपर नंबर 2 JPC 14 सेकंड का मुताला करेंगे, जिसमें आज हम 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन का मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा मैथ सेकंड पेपर में 31 के बाद क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स के शुरू होते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक सवाल दिया गया है कि नफ़ी 11/20, 7/15, 17/30 और -3/10 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी हम लोगों को इसको उतरती तरतीब में लिखना है। ओके, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, तो चलिए। तो सबसे पहले इसके लिखने के दो तरीके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो दिए हुए कसरे हैं उन कसरों को पहले तरतीब से आप लिख लीजिए। उसके बाद अगली हमारी कसर है 7/, आप कोई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ आप वही लिखिए। उसके बाद है नफी 11/20 और उसके बाद है 17/30। ओके, सबसे पहले काम हमारा, हमने ये कर दिया कि दिए हुए जो कसरे थे हमने उसे तरतीब में लिख लिया। तो यहाँ पर तरतीब में लिखने की असल वजह यह है क्योंकि इनका जो नसब नुमा है, ये नसब नुमा को हमें सेम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहली वाली कसर को हम 6 से ज़रब करते हैं। कितने से? 6 से ज़रब करते हैं तो कितना आ जाएगा, नफ़ी 18/60। पहला हमें मिल गया नफ़ी 18/60। अब इसका नसब नुमा 60 करना है तो हम इसे 2 से ज़रब करेंगे, तो ये हो जाएगा 14/60। अब चलिए इसे ज़रब करते हैं, ये हो जाएगा 33, नफ़ी का 33/60। और इसे हम ज़रब करते हैं तो ये हो जाएगा 17 × 2 = 34, 34/60। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो नई कसरे सामने बनकर आई हुई है, सबका अब नसब नुमा सेम हो गया। क्या हो गया? सेम हो गया। याद रखिए, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा है, तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा हो वो कसर हमारी बड़ी होती है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए कि शुमार कुनिंदा, जिस शुमार कुनिंदा का नसब नुमा बड़ा हो तो वो कसर हमारी कौन सी है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सॉरी, हमने 15 × 60 से दिया था, ये 28 हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा। अब हमारा सबसे बड़ा, आप अच्छी तरह जानते हैं ये अददी खत है, अददी खत में 0 से जो जितना करीब में होता है नफ़ी वाला नंबर, वो उतना बड़ा होते जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नफ़ी 18, नफ़ी का 28, नफ़ी का 33 और नफ़ी का 34। तो जाहिर सी बात है, इनमें सबसे पहला कौन रहेगा? नफ़ी का 18 रहेगा, यानी पहले स्टेप में हम लोग ये वाली कसर ढूंढेंगे। तो हमारी पहली ये कसर हमें मिल गई नफ़ी 3/10। ओके, उसके बाद अगला नंबर है हमारा नफ़ी का 28। नफ़ी का 28 किसे मिला हमें? इससे मिला। तो हमारी अगली क्या है? 7/15। इसके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सही आंसर क्या है? ये वाला। ओके, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी उतरती तरतीब में लिखना है, पहले बड़ा दस, फिर छोटा, फिर छोटा। इसका सेकंड टाइप ये है कि हम अच्छी तरीके जानते हैं कि 0 से जो जितना करीब होता है वो बड़ा होता है। तो आप देख रहे हैं के नसब नुमा में, सॉरी, शुमार कुनिंदा में बड़ा अदद हमारा कौन सा है? नफ़ी का 3। उसके बाद कौन सा आएगा? 7 आएगा, उसके बाद 11 आएगा और उसके बाद 17 आएगा। इस तरीके से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम 32वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि नफ़ी 5/7 के साथ दी हुई कसरों में से किसी एक कसर को सब्ट्रैक्ट करें, यानी माइनस करें, जिसका हासिल जवाब हमें नफ़ी का 1 मिले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली कसर में ऑलरेडी नफ़ी का है और हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है, तो ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। ये जमा का है, नफ़ी का 5 और नफ़ी का 4 9 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है 2/7। किस तरह से, चलिए देखते हैं। ये है हमारा नफ़ी 5/7, सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो सब्ट्रैक्ट हम करते हैं 2/7। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी नीचे का नसब नुमा सेम है, इसलिए नसब नुमा को हम एक ही दफ़ा लिखते हैं और ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उनकी हम क्या करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगी।
तो कितना हो जाएगा नफी का 7/7, तो हमारा आंसर आ गया नफी का 1, तो हमारा सही आंसर क्या है 2/3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमें बोला गया है कि जजर के अंदर 213 व 2 जमा 213 जमा 214। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा कैलसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जजर में तमाम नंबर हम लोगों को दिए गए, आप सबसे पहले क्या कीजिए, मैं आपको उसकी स्टेप बता देता हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 213, 213 का हमें सबसे पहले मुरब्बा निकालना है, जो भी उसका मुरब्बा मिला उसके अंदर हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें एक बड़ा नंबर मिलेगा जो हमारे 2013 का मुरब्बा अदद है। किसका मुरब्बा अदद है, 2013 का ये मुरब्बा अदद है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में हमें बोला गया है कि अगर ए बी और सी ये डिफरेंट इंटीजर है, अलग अलग इंटीजर है, सच दैट यानी ये तमाम के तमाम जीरो से छोटे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बोला गया है कि ए बी सी ये जीरो से छोटे हैं, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जीरो से छोटे तमाम मनफी वाले नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ए नफी का 3, बी नफी का 2 और सी जो है नफी का 1 है। ये तमाम के तमाम हमारे जीरो से कैसे है, छोटे हैं, और हम अच्छी तरह जानते हैं जो जीरो से जितना दूर होता है वो उतना छोटा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास पहली कंडीशन है, हम पहली कंडीशन को यहाँ पर क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ए जमा सी, तो ए मीन्स कितना है हमारा, ए मीन्स नफी का 3 और सी मीन्स कितना है, नफी का 1, छोटा है नफी के 2 से। तो चलिए क्या ये हमारी स्टेटमेंट सही है, तो हम यहाँ पर देखते हैं नफी का 3 नफी का कितना हो जाता है, नफी का 4 लेस देन नफी का 2, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नफी का 2 छोटा है नफी के, सॉरी नफी का 4 छोटा है नफी के 2 से, जो जीरो से जितना करीब रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये है हमारा 0, ये रहा नफी का 1, नफी का 2, नफी का 3 और नफी का 4। तो आप देखिए 0 से 4 बहुत दूर है और 0 से करीब में कौन है, नफी का 2, तो नफी का 2 बड़ा है नफी के 4 से। ओके, हम इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं कि नफी 4 छोटा है नफी 2 से, ये हमारा आंसर होगा, यानी पहला हमारा आंसर हमें मिल गया। चलिए सेकंड देखते हैं। इसके बाद हमें बोला गया है कि ये रकम को हमें के इंटू 10^n की शक्लों में लिखना है, और के प्लस एन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है हम वो लिखते हैं, और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में 8.29034 टाइम्स 0 हमने लिखा। आइए इसको हम पावर की शक्लों में लिखते हैं, तो पावर की शक्लों में इस तरह से लिखेंगे हम पावर ऑफ 8, क्योंकि आशारी के बाद हमारे 4 नंबर है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इस फॉर्म में हमने लिखा तो के की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, ये वाली, तो और पावर यानी ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये हो गया हमारा n, क्या हो गया n। चलिए इनकी जमा करते हैं, जमा करने पर आपको अच्छी पता है कि आशार्य के बाद यहाँ पर कोई नंबर नहीं, यानी 4 0 है, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा, और 8 दूनी 16, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमें एलसीएम लेना है, ऐसे 2 प्राइम्स नंबर लेना है जिसमें एक्स बड़ा हो वाई से, जो 161 के हो, और उसके बाद हमें 3y माइनस x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसे हम मुफर्रत अदद कहते हैं, और मुफर्रत अदद ऐसे होते हैं जो किसी के पाड़े में नहीं आते। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे 2 मुफर्रत अदद है x और y, ये दोनों के दोनों क्या है, 161 के कौन से अदद है, उसके अज्जा वाले अदद है। तो यहाँ पर आप देखिए 161 जो है किसके पाड़े में आता है, तो 161 आता है हमारा 23/7, 23 भी हमारा मुफर्रत अदद है जो किसी के पाड़े में नहीं आता, और 7 भी ये हमारा मुफर्रत अदद है जो किसी के पाड़े में नहीं आता, लेकिन हमें कंडीशन दिया गया है कि x बड़ा होना चाहिए y से। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई हमारी 23 और y की वैल्यू हो गई 7। आइए इस मसावत को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह पर यानी y की जगह पर हमें इस्तेमाल करना है 7 और x की जगह पर हमें इस्तेमाल करना है 23। यहाँ पर हमने लिखा ये हो गया 7 या 21 माइनस 23, और 23 में से 21 जाता है तो हमारा आंसर बचता है नफी का 2, क्योंकि बड़े अदद की हम अलामत इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमें बोला गया है कि 72 के
पॉजिटिव फैक्टर यानी अजायज अरबी हमें निकालना है। इसके अंदर हमें दो बोला गया है कि अजायज अरबी कितने हैं, सबसे पहले वो मालूम कीजिए और 11 से छोटे उसके अंदर कितने अजायज अरबी हमें वो बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि 72 के अजायज अरबी दर्ज झील है, ये टोटल 72 के अजायज अरबी। अजायज अरबी यानी 72 इनके पहाड़ों में आता है, एक के पहाड़ी में वो आता है 72 के नंबर पर, दो के पहाड़े में वो आता है 36 के नंबर पर, तीन के पहाड़े में वो आता है 24 के नंबर पर, चार के पहाड़े में आता है 18 के नंबर पर, छः के पहाड़े में आता है 72 के नंबर और आठ के पहाड़े में आता है 9 नंबर पर। तो ये टोटल हमारे 72 के अजायजर भी है, तो हमें देखना है कि ये कितने हैं। ओके, तो चलिए हम इसकी काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हम यहाँ लिखते हैं 72 के कुल अजायजर भी 12 है, लेकिन इसमें हमें क्या बोला गया है कि लेस देन 11 यानी 11 से छोटे कितने हैं। तो 11 से छोटे हमारे यहाँ तक है, ये है हमारे 11 से छोटे अजायज अरबी। चलिए इसकी काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 11 से छोटे अजायज अरबी हमारे कितने हैं, 7। तो हमें ऐसा जवाब देखना है जिसमें 7 और 12 कसर में, वो कौन सा है हमारा जवाब नंबर 3। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमें बोला गया है कि क्यूब ऑफ अंडर यानी हमारा जो दिया हुआ है मकब दिया हुआ है, मकब 500, ज़र्ब मकब 16। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम दोनों के दोनों जो हमारी जजरी कुवत वाली मिसालें हैं उन्हें लिखते हैं। यहाँ पर हमें देखिए इसका भी जजर 3 है, सॉरी ये भी क्यूब में दिया हुआ है और ये भी क्यूब में दिया हुआ है, तो हम जजरों के अंदर मौजूद अददों की ज़र्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 16 का पहाड़ा अगर हम पास तक लेते तो 16 × 5 = 80 और दो सिफर उसके आगे लगा दीजिए। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें समझ में नहीं आता है कि ये किसका मकब हो सकता है, किसका जजरुल मकब हो सकता है, सॉरी किसका मकब हो सकता है 8000 हमारा, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि 8 किसका मकब है, 8 मकब है 2 का, किसका है 2 का, कितने सिफर का इस्तेमाल किया गया 3, तो इसमें से एक सिफर उठा लीजिए तो कितना हो गया हमारा 20, ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमें ये देखिए ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इस सवाल का मैं आप लोगों को सही आंसर जो है 2 है, मैं कुछ स्टेप बताता हूँ इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है, वरना हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसे इस जब्ते से हमें सॉल्व करना है, यानी कुवत का जो है कुवत हमें लेना है, तो मैंने यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई कर दिया हूँ। पहला है हमारा एक्स जमा एक कॉस की कुवत 2, ये इस तरह से हमारा जब्ता है। देखिए ये कॉस यानी ब्रैकेट, पहला वाला ब्रैकेट इसकी कुवत एम है और उसकी कुवत क्या है एन है, यानी ये 2 है, माइनस दूसरा वाला ब्रैकेट भी हमारा सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। अब कॉस के अंदर जो मौजूद है एक्स जमा एक, ये हमारा ए जमा बी कॉस कुवत 2 से हम इसको ओपन करेंगे और इसको हम नफी वाले से ओपन करेंगे। तो आप इसको जब इसी तरह से ओपन करेंगे तो उसके आंसर तक आप लोग आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 8 मिलेगा। ओके, इंशाल्लाह अगली मरतबा इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें आप देखिए अगला जो सवाल है इसमें हमें बोला गया 200 digits of 3। ओके, यानी 100 हमारा ये 3 हिंदी सी अदद है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसमें 7 more than 2 units digit, अब हम इसको क्या करते हैं 7 से ज़र्ब कर देते, तो ये कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो डिजिट ऑफ द नंबर आर रिवर्स एंड द रिजल्टिंग नंबर इज सब्ट्रैक्ट, अब हम इसको क्या करते हैं इसको रिवर्स लिख दिए, तो हम इसे रिवर्स किस तरह से लिखेंगे इस तरह से, और जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर कितना था हमारा 100 था, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको आंसर मिलता है 93। आगे बोला गया है कि फ्रॉम द ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट ऑफ द फाइनल नंबर सो ऑब्टेन इज, ओके, यानी हमारे पास फर्स्ट यूनिट में उसका नंबर कौन सा आया 3 आया, तो वो है हमारा आंसर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। इस सवाल में हमें बोला गया है कि ए हैज 20% मोर मनी देन बी एंड सी हैज 20% लेस मनी देन बी, यानी ए और सी जो है ये बी से ज़्यादा है और बी से कम। तो चलिए सबसे पहले हम बी की कीमत कितनी हम वो फ़र्ज़ करते, तो हम फ़र्ज़ किया कि बी की कीमत है 100। पहला हमें कंडीशन क्या दिया है कि ए बी से 20% ज़्यादा है, हम लिखते हैं तो ए हो गया 120। इसी तरीके से सी जो है बी से 20% कम है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सी हो गया हमारा 80।
तो व्हाट परसेंट मोर मनी डज ए हैव देन सी, ये ए और सी के दरमियान में हमें परसेंट मालूम करना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है, अब इनका जो हासिल जवाब है इनके दरमियान में हम सबसे पहले तफरीक कर लेते हैं। तो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, हमारा हाँ ये क्या हमने 40, तो हमें क्या बोला गया है कि ए और सी, तो ए और सी ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इनका हमें क्या करना है परसेंट निकालना है। तो 40 बटे 80 ज़र्ब 100, आपको अच्छी तरह से पता है 0 गया 0 गया, 4 एक 4 4 2 8, 2 के पड़े में 100 आता है 50 नंबर पर। हमारा सही आंसर कितना है 50, यानी आंसर नंबर 2। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में देखिए क्या हमें बोला गया कि रानी हु इज वाई ईयर्स ओल्ड एट प्रेजेंट इज एक्स ईयर्स ओल्डर देन हमीद। तो रानी की जो मौजूदा उम्र वो क्या है, वाई है। यहाँ पर हम लिखते हैं, फर्ज कीजिए कि रानी की मौजूदा उम्र वाई है और हमीद की हम मौजूदा उम्र लेते हैं एच। बोला गया है कि रानी जो है हमीद से एक्स साल बड़ी है, यहाँ पर हमने दिया ओके, जो हिदायत हमको दी गई थी उसके मुताबिक हमने यहाँ पर लिखा। तो चलिए हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं, एच को हम इधर बुलाते हैं, वाई को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा नफीक, सॉरी एक्स को इधर भेज दिया तो वो हो गया नफीक। अब हमें क्या बोला गया है कि 15 ईयर्स एगो, यानी पहले, तो जाहिर सी बात है दोनों 15 साल पहले इनकी उम्र क्या होंगी, इनकी उम्र होंगी एच नफी 15, हमीद की उम्र भी 15 साल पीछे होंगी और वाई यानी रानी की उम्र भी 15 साल पीछे होंगी। आगे बोला गया कि हमीद एज वाज 1/4 ऑफ द एज ऑफ रानी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसके 1/4 का वो गुना है, यहाँ पर हमने लिख दिया 1/4 का वो गुना है। अब इसके बाद इसके सॉल्व किस तरह से करें, आपको अच्छी तरह से पता है कि 4 जो है तकसीम की सूरत में इधर जाकर वो ज़र्ब करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एच की जगह पर हम वाई नफी एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 4 को इधर लिखा, ये एच की जगह पर हमने लिखा वाई नफी एक्स, नफी का 15 अंदर जो मौजूद था वो, बाकी जो है हम लिखेंगे कॉस में वाई नफी 15 ओके। अब 4 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाता है 4y नफी का 4x 15 चौक 60, नफी के 15 चौक 60 हो गया, ये हो गया हमारा y नफी का 15 ओके। अब y वाली टर्म को y की तरफ बुलाइए और x जो बगैर मुतगैर वाली ये टर्म है उन्हें हम उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4y नफी का y, हमने ये y को इधर शिफ्ट किया ओके, नफी का 4x जहाँ वही रहेगा क्योंकि x वाली कोई दूसरी टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे नफी का 15 जमा का 60, क्योंकि नफी का 60 इधर उधर जाकर वो जमा का 60 हो जाएगा। 4y में से 1y गया, कितना बचा 3y, नफी का 4x एज इट इज़ रहा और 60 में से 15 गए तो कितना बचता है 45, हम बड़े अदद की अलामत का इस्तेमाल करेंगे तो 3y नफी 4x बराबर 45, ऑप्शन नंबर 1 ओके। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में हमें बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। हमें यही नहीं पता है कि जो आर्टिकल से बिल 20 आर्टिकल है इसकी कॉस्ट प्राइस यानी उसकी फरोख्त कीमत क्या है ओके। तो सबसे पहले हम वो फर्ज करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा कि इसकी फरोख्त सवाल चेंज हो गया क्या हमारे पास आर्टिकल्स की हमने फ़र्ज किए कि उसकी कॉस्ट प्राइस यानी उसकी हमारी दर्शनी कीमत फरोख्त कीमत कितनी है, दर्शनी कीमत कितनी है एक्स, हमने यहाँ पर उसकी फ़र्ज किया, ये हमारी दर्शनी कीमत हो गई ओके। कितने आर्टिकल्स हमें फ़रोख्त करना है, 20 आर्टिकल हमें फ़रोख्त करना है और इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। क्या बोला गया हमें, उसकी जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल की ओके। अब यहाँ पर देखिए तो हम इसे किस तरह से लिखें, इसकी फरोख्त कीमत कितनी है वो तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे फरोख्त कीमत बराबर है उसकी दर्शनी कीमत के ओके, उसकी दर्शनी कीमत के ये बराबर है। तो फरोख्त कीमत हमें पता नहीं है, हमने फर्ज ये 20 माइनस एक्स मान के चलिए, दर्शनी कीमत हमारी कितनी है x, ये दोनों कैसे है बराबर है। नफ़ा कितना है हमारे पास, नफ़ा 25
परसेंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25% दिया हुआ है। आपको अच्छी तरह से पता है कि दर्शनी कीमत फरोख्त कीमत से ही हमको मिलती है। तो यह हमारी, हम इसी तरह से लिखेंगे, नफी 20 नफी एक्स बटे एक्स। ओके, यानी एक्स क्या है हमारी, जो कीमत हम लोगों ने आर्टिकल्स की लगाई हुई है, और 25% यानी हम 25% को इस तरह से हम लिख सकते हैं 25 बटे 100 की शक्लों में। ओके, अब हमें x की वैल्यू हासिल करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x को इधर भेजते हैं, 100 को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 100 cos में 20 नफी का x बराबर 25 ज़र्ब x। ओके, इनकी ज़र्ब करते हैं तो ये हो जाएगा 2000 नफी का 100 x बराबर 25 एक्स। तो चलिए एक्स वाली टर्म को एक्स की तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2000 बराबर 25 एक्स जमा 100 एक्स, तो ये हो गया 2000 बराबर 125 एक्स। तो इसलिए एक्स बराबर हो गया 2000 बटे 125। अगर हम इसकी तकसीम करें तो हमारा जवाब कितना आता है, 16 आता है। कितना आता है? 16 आता है। ओके, यानी 125 16वें मकाम पर 2000 आता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? 2। ओके, आपको कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इंशाल्लाह मैं और आपके जो क्वेश्चन पेपर है उस पर और मज़ीद इम्तिहान से पहले जितने मुझसे हो सके मैं आप तक पेपर सॉल्व कर आप तक बेहतर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमें बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, इट वाज परचेज 3 ईयर्स एगो इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 145,800 है। तो उसकी जो है फरोख्त कीमत क्या है हमको ये बतानी है। ओके, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने 8वीं के अंदर मुरक्कब सूत करके, मुरक्कब सूत का एक हमारा जब्ता मौजूद था। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं असल ज़र, असल ज़र को हम पी से ज़ाहिर करते थे, आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो पी यानी असल ज़र क्या है हमारा, 145,800 रुपये है। इसमें हमें बोला गया मुद्दत, मुद्दत को हम एन से ज़ाहिर करते हैं, मुद्दत कितनी दी गई है, 3 साल की दी गई है। ओके, इसके बाद हमें कितना सूद की शरह यानी आर, आर हमें दिया गया है 10%। कितना दिया गया है? 10% हमें दिया गया। और हमारा जाप्ता है ए बराबर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए बराबर पी कॉस में 1 जमा आर बटे 100 कॉस कुवत एन। ओके, कीमत रखते हैं ए बराबर पी, कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है हमारे पास, बोलिए पी हमारे पास नहीं दिया हुआ है। ओके, सॉरी ए दिया हुआ है हमारे पास, ये ए है हमारा, कितना है ए है, कितना है 145,800 रुपये बराबर पी एज इट इज रहेगा 1 जमा आर, आर यानी 10%, 10 बटे 100, कॉस कुवत कितनी है 3 है। यहाँ पर हम इसे तरतीब से लिखते हैं अच्छे से ज़रा, तो हम इसे यहाँ पर 145,800 बराबर इसे हम लिखेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, कितना आएगा हमारा 10 जमा 1 यानी 11 बटे 10, 11 बटे 10 ये हमारा हो जाएगा। ये किस तरह से आया मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 1 जमा 10 बटे 100 है। ओके, हमने क्या किया 0 से 0 काट दिया, अब हमारे पास क्या बच गया 1 जमा 1 बटे 10, इसे हम कसर बनाते हैं, ये हो जाएगा 10 एका 10 जमा 1 एका 1 और नीचे रहा हमारा 10, तो 11 बटे 10। ओके, इनटू क्या है हमारा पी है, अब ये पूरा का पूरा पी के साथ ज़र्ब कर रहा है, तो हम इधर भेजेंगे उसे तो वो क्या करेगा, तकसीम करेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 145,800 ज़र्ब। ओके, अब हम इसे किस तरह से लिखते हैं कि जो जो तकसीम में वो उधर जाकर ज़र्ब करेगा, तो 10 इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
ओके, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास ये भी कसर हो गई, ये क्या हो गई, कसर हो गई, तो हम ऊपर लिखेंगे। अब इसकी ज़रब करना है तो किस तरह से ज़रब होंगी, जैसा लिखा हुआ है इसे वैसी ही एज इट इज़ लिखिए। 1,45,800 कितने सिफर है, 1, 2, 3, यहाँ पर 3 सिफर आप लगा दीजिए। तकसीम, अब 11 का आपको मकब लेना है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 11 का मुरब्बा होता है 121, इसको हम ज़रब 11 से करते हैं, 11 की 11, 11 2 22 और एक आ गया 23, उसके बाद 11 की 11 और 2 है हमारा, कितने हो गए 13, यानी ये वाला। इससे जब हम इसे तकसीम करेंगे तो हमारा हासिल जवाब मिलेगा 2 लाख, कितना मिलेगा 2 लाख मिलेगा, कितना 2 लाख हासिल होगा। ओके चलिए, अब हम अगली वीडियो की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हम